कुछ तुम्हारी वजह से हो, तुम्हारी वजह से। कुछ कीजिए प्लीज, आबान की जान को बहुत खतरा है। और अगले लम्हों का कुछ नहीं पता कि सिकंदर और रोशनी आबान के साथ क्या कर दें। डोंट वरी तायरा, आबान को कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, मिसेज रीना के लॉयर से रابطہ कीजिए, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं मिसेज रीना के लॉयर से कॉन्टेक्ट करती हूँ। कि अगर तुम लोगों को कुछ हुआ, आबान को कुछ हुआ, तुम्हें कुछ हुआ या शायान को कुछ हुआ, तो ये सारी जायदाद ट्रस्ट में जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मासी हम जीतेंगे। रोशनी, आबान के जाने का वक्त हो गया। अरे निम्बू, तुम किचन में क्यों आ गई? कुछ चाहिए था तो मुझे कह देती। जी वो आपको बुरा लगा कि मैं बगैर इजाजत के किचन में आ गई? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं बुलाया। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार शेल्टर हाउस आई थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? कितनी तुम्हारी बड़ी बहन, और बड़ी बहनों के घर में हक से रहा जाता है। बस उसी हक से मैंने आप सबके लिए नाश्ता बनाया। आप कामरान भाई को बुला लें, मैं बस चाय लेकर आ रही हूँ, सब कुछ रेडी है। शायान कैसा है, उसे भी उठा दो, हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है, वो बस सो रहा है, उठेगा तो मैं उसको खिला दूंगी। उसे जगाओ, फिर कामरान उनको बाहर लेके जाएंगे सैर के लिए। बेचारा मासूम बच्चा रुन गया, बाहर निकलेगा तो थोड़ा एंजॉय कर लेगा। आपकी ताहिरा मैडम से बात हुई, उन्होंने आबान के बारे में कुछ बताया? नीमो, पहले नाश्ता कर लो, फिर हम ताहिरा मैडम को भी कॉल कर लेंगे। और हाँ, इंशाल्लाह आबान भाई बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। अच्छा नीमो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे रही हूँ, वो रख लो। ठीक है, सिकंदर अंकल जो कह रहे हैं ना, जैसा कह रहे हैं ना, प्लीज तुम उनकी कोई बात नहीं मानना। खबरदार जो इनके सामने तुम्हें। किसी कंदर को गुस्सा मत दिलाना, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, पागल हो जाता है गुस्से में। कहाँ है बाबा, क्या किया से कंदर अंकल ने अबान के साथ? कर अबान को कुछ हुआ ना तो मैं आप में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या क्या करोगी तुम? बोलो, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। Thank you.
निकलोगे ठीक है, जैसी कुछ पता चले तो मुझे बताओ। क्या हुआ, कुछ पता चला? ना जाने कहां मर गया है, कुछ समझ नहीं आ रही। शहर से बाहर तो वो जा नहीं सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। खराबान नहीं मिला तो ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये पैसा, ये बिजनेस, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। ये सब कुछ तो तुम्हें वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था रोशनी बेगम। तुम्हारा जुनून, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें लेट हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे कैसे सब कुछ खत्म हो गया? इसको मरना होगा, अबान को मरना होगा। मामा प्लीज बस कर दे, वो मरेगा जब जब हमारे हाथ आएगा। अबान भाग गया है और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, ना ये प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, ना कुछ। और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप, सिर्फ आप। अच्छा तो निमो को मैंने बकाया था, उसका जिम्मेदार कौन है? बेटा तुमने वो एनजीओ वाली दायरा से कांटेक्ट किया? मुझे लगता है कि आबान उससे जरूर जाकर मिलेगा। डैड मैं सारा दिन वहां पर था, उसे कहां ढूंढूं? एक दफा वो मुझे मिल गया ना, उसे वहीं गाड़ दूंगा मैं। मिल जाएगा वो, उसका कोई है भी नहीं इस शहर में जहां वो जाके छुपे। सड़कों पे धक्के खा रहा होगा और कुछ नहीं। तुम बस अपने लोगों को कहो कि वो अलर्ट रहे। अगर आबान और निमो ने एक दूसरे से राब्ता कर लिया तो वो जरूर हम पर अटैक करेंगे। मुझे लगता है कि हमें अब अपना प्लान बदलना पड़ेगा। रोशनी तुम जाओ, जाकर अबान की सारी मेडिकल हिस्ट्री लेकर आओ। इसे क्या होगा? हम अबान को पागल डिक्लेयर करेंगे और न्यूज चैनल पर खबर चलाएंगे कि निमो ने अपने आशना के साथ मिलकर अबान को किडनैप किया है। तो बहुत अच्छा प्लान है। और अगर अबान पुलिस में चला भी गया, वो तो पागल है और पागल की बात का कौन यकीन करेगा। हम अबान को पागल डिक्लेयर करेंगे और उस निम्बो के ऊपर किडनैपिंग का केस चलाएंगे। क्या हो सकता है कि उसे मैं रास्ते से ही हटा दूं? मतलब कि अवान और निमरा हमें मिले ना मिले, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आबान, तुम? आंटी कहाँ थी आप? मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ गाड़ी में। वो लोग सारा दिन यहीं थे, कहीं किसी ने देख लिया तो। उठो मेरे साथ, जल्दी। निम्मो और शायान कैसे? वो लोग ठीक हैं, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, जल्दी आओ। जल्दी लेट जाओ। Thank you.
थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप मेरे इतने अर्जेंट बुलाने पर ही आ गए थे। आपने जो भी मेडिसिन कहा था मैंने अबान को दे दिए। मैं आपसे बात बात करती हूँ। अबान तुम ये सूप पी के थोड़ा आराम करो। आंटी हिम और शयान कहाँ है? मामा बता रही थी कि सिकंदर अंकल उनको मार देंगे, बहुत बुरे लोग हैं वो, प्लीज उनको बचा लें। आबान बुरे लोग अच्छे लोगों का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अल्लाह ताला की मदद होती है। आंटी मामा बता रही थी कि सिकंदर अंकल ने दोनों को मार दिया, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। रोशनी को ऐसा लगता है कि उसने निमो और शायान को मार दिया है, लेकिन अबान ऐसा नहीं है। निमो और शायान बिल्कुल ठीक हैं और सेफ हैं। तो वो हैं कहाँ पर? सब बताऊंगी, अभी तुम आराम कर लो। आंटी क्या उनके पास जा सकते हैं? हम अभी चलते हैं। अबान इस हालत में जाओगे तो निमो रो रो की ही मर जाएगी, तुम्हें एकदम हीरो की तरह एंट्री देनी होगी। अच्छा ना चले, फोन पे बात करवा दे, उनकी आवाज सुनूंगा। नो, हम उसके पास अचानक जाएंगे, उसे सरप्राइज देंगे। उससे पहले मुझे कुछ काम निपटाने होंगे। मिसेस तहरा, ये वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं समअप करके केस कोर्ट में दाखिल करूंगा। आप तो समझती हैं कि वहाँ केस बड़े उलझते हैं, टाइम भी लगता है। मिसेस तहरा आप आबान को निमरा के पास भिजवा दीजिए, मेरी भी आज आईजी के साथ मीटिंग है, कुछ मामला देखने के बाद बाकी सेटअप देखते हैं। ओके, तो फिर ठीक है, जब भी आप लोग बोलेंगे हम शायान और निम्र को कराची बुलवा लेंगे। मैडम रीना और अमान साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे यकीन नहीं होता कि इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। जब रिश्ते एहसास से आ रही हो जाए तो कुछ ऐसा ही होता है सिद्दीकी साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिसेस तहरा। अच्छा मेरी एक मीटिंग है, मुझे इजाजत दें। ओके थैंक यू। आंटी मैं निम्मो के पास कब जाऊंगा? मैं जाऊं? निम्मो 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 भेजती हूँ तुम्हें निम्मो के पास। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे इंसान थी, जब भी तो आबान इतना अच्छा है। थैंक्स आंटी, अगर आप ना होती तो। थैंक्स किस लिए, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, जो भी किया वो मेरा फर्ज था और अब आगे जो भी करूंगी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। वक्त कभी एक सा नहीं रहता निमो, अच्छा वक्त भी आएगा। अच्छे वक्त की तलाश में तो कहां से कहां पहुंच गई हूं। कामरा ने सामान भेजा होगा शायद, मैं देख कर आती हूँ।
अबार तुम ओ निम्मो सब कैसे हुआ? एक कॉल तो करते, बताते तो। अभी तायरा मैडम से बात हुई है, उन्होंने भी नहीं बताया। खैर मैं सब कुछ कॉल पर बता देता पहले तो निम्मो के चेहरे पे ये खुशी कैसे देख पाता? निम्मो रो तो मत प्लीज, मैं आ गया ना तुम्हारे पास। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास जल्द आऊंगा। मैंने कहा था ना कि बहुत जल्द अबान हमारे साथ होगा। बहन का कहा सच हुआ। कामरान भाई कब तक आ रहे हैं? हाँ मैंने उन्हें कॉल की है, वो आ ही रहे हैं। मैंने बताया है उनको कि अबान घर आ गया है। प्यारी निम्मो का अबान। अबान आप ठीक तो है ना? ये चोटें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको पता है तारा आंटी ने मेरी बहुत मदद की है। हम तारा मैडम की वजह से यहाँ तक पहुंचे। अच्छा चलो तुम लोग बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अब मुझे छोड़कर मत जाना कभी। Never. काश के तुम होती ना आज तो तुम देखती कि दानिश कमाल जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ मैं काम करने वाली। मैं जब से आई हूँ ना आप मुझसे ज्यादा मसरूफ हो गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे मुझे। तुम्हारे पास इतने लोग जो है एंटरटेन करने के लिए तो मैं। तुम देखना मेरे साथ इस ड्रामे में काम करके तुम बहुत ऊपर तक जाओगे। मैडम लैला मजनू से बात करें। देखो निम्मो तुम्हारा अबान भी मिल गया तो आ गया तुम्हारे पास। खैर आंटी आप फिक्र मत करें, हम कल इंशाल्लाह कराची आ जाएंगे। नहीं अबान अभी नहीं, तुम लोग अभी कुछ दिन वहीं रहोगे। सिकंदर और जयान के लोग तुम लोगों को अभी तक तलाश कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि अब कोई मसला हो। हम अब पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। जी जी मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें बहुत सोच समझ कर कदम रखना होगा। लेकिन हम पुलिस को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं ना, वही कुछ कर सकती है। निम्मो मैं सब कुछ कर रही हूँ, तुम लोगों को बहुत जल्द यहाँ बुला लूंगी, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया। जी बहुत शुक्रिया। हेलो ताहिरा मैडम। जी कौन? मैं रीना मैडम की पर्सनल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ, मुझे आपसे मिलना है, प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मुझे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है रीना मैडम के हवाले से। ठीक है नो इशू। कबर कहाँ मिल रहा? ओके
ऑफिस से यूं निकलना बहुत रिस्की था। ज़यान और सिकंदर सर ने पूरा ऑफिस टेक ओवर किया हुआ है। रीना मैडम की सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया उन्होंने। ये खबर तो आए दिन अखबारों में मिल जाती है, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी? मैडम, मैंने रीना मैडम को अपने एम्प्लॉय और लेबर के साथ हमेशा मुखलिस पाया, पर मैं वो बदकिस्मत एम्प्लॉय जो अपने मालिक से वफा न कर सकी। मैंने ज़यान सर के हर बुरे काम में उनका साथ दिया, रीना मैडम को धोखा देती रही, बिजनेस में हेर पेर करती रही, लेकिन मेरे पास एक एक बात का प्रूफ है। मैडम, मैं जानती हूँ रीना मैडम के साथ साथ मैं कानून के भी मुजरिम हूँ, लेकिन अब इस गुनाह में मैं मजीद हिस्सादार नहीं बन सकती, इसलिए मैं अपनी गिरफ्तारी खुद दूंगी। इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? मेरा ज़मीर मुझे झिंझोड़ता है, हर वक्त गिल्टी फील करती हूँ। ज़यान सर के डर से मैं कभी कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ऑलराइट, मैं उस वक्त वहां मौजूद थी जब रीना मैडम का मर्डर हुआ। मर्डर? मुझे ब्लैकमेल किया गया और मुझे ब्लैकमेल करके वो लोग इस्तेमाल करते गए, वो जो कहते गए मैं करती गई। माय गॉड, रीना मैडम का मर्डर हुआ, लेकिन किसने किया? सिकंदर सर ने। सिकंदर सर ने मुझे रीना मैडम की सेक्रेटरी बना दिया। मैं उनसे हर बात शेयर करती थी, ज़यान और रोशनी मैडम की भी हर बात मानती थी, कब हंसना है कब रोना है, यहाँ तक उनका हुक्म माना मैंने। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि ये लोग रीना मैडम का मर्डर करने वाले। मम्मी को ब्लड कैंसर था और उनके इलाज के लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। 4 दिन पहले मम्मी की डेथ हो गई तो एहसास हुआ कि रीना मैडम भी किसी की माँ थी, कैसे सहा होगा उनके बेटे ने। तब से मैं सो नहीं सकी, मेरा ज़मीर मुझे हर रात चांद से मार देता है, लेकिन मैं उनके कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। इसमें एक वीडियो है जिसमें रोशनी मैडम, ज़यान और सिकंदर सर रीना मैडम का मर्डर कर रहे थे। मैं वहाँ चोरी चोरी वीडियो बनाती रही क्योंकि मुझे इन लोगों पर यकीन नहीं था। रीना मैडम बहुत अच्छी थी। तो इसके लिए तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, आप मेरे पास क्यों आए? मुझे कोई और काबिले एतबार शख्स नजर नहीं आया, सब उनके साथ मिले हुए। ये एविडेंस मुझे नहीं चाहिए, ये तमाम चीजें तुम खुद पुलिस को दोगी, मेरे साथ जाओ। और इस केस के हवाले से मैं ऑलरेडी एसएसपी साहब से बात कर चुकी हूँ। जाकर खाना लगवाओ और रोशनी मैडम से कहो कि आकर खाना खा ले। रोशनी मैडम अपने रूम में ही है, कह रही थी तबीयत ठीक नहीं है और डिनर पे भी नहीं आऊंगी। मैं जाके लेकर आ। रहने दो, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो अपनी मामा को। मैं जानता हूं कि वो क्यों इतनी उदास है। सर, वो मैडम ने दोपहर में लंच भी ठीक तरह से नहीं किया था, बिजनेस कम्युनिटी से कुछ औरतें आई थी उनसे भी नहीं मिली। आप जाए जाकर खाना लो जी।
पागल अबान का कुछ पता चला? नो डैड, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यहां तक के बाजार में भी हमारे लड़के बैठे हैं, उनके पास तस्वीरें भी हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कि अबान कहां चला गया। निमरा भी गायब है, कौन है, कौन है जो उनकी मदद कर रहा है? तो उस मददगार का पता चलाओ, कौन उनकी मदद कर रहा है। कुछ भी करो, उसको कहीं से भी ढूंढ कर निकालो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का सारा प्रोसेस रुक गया है, सारा प्लान बर्बाद हो गया है। ये सब कुछ तो तुम्हें वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था रोशनी। तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले लेगा। मामा मुझे पता था आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आएंगे। मामा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। मामा खुद ही खिनस सिकंदर अंकल और ज़ियान ने मेरे साथ क्या किया। मामा वो बहुत बुरे हैं। मामा मुझे प्लीज अपने साथ ले जाएं। निमोर शैहान के पास प्लीज मुझे ले जाएं अपने साथ। ये मामा की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ है। जरूरत से ज्यादा इमोशन इंसान को बर्बाद कर देते हैं। उनकी एक जिद कि अबान को मैं अपने हाथों से टॉर्चर करूंगी हमारी नाकामी बन गई। महल में बैठे लेकिन हमारा कुछ नहीं है। रोशनी की इस गलती को हमें ठीक करना होगा। उस आबान को तलाश करना ही होगा। कुछ भी करो, कैसे भी उस आबान को तलाश करो, उसका मरना बहुत जरूरी है। एक आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। फिर हम अपने प्लान बी की तरफ आएंगे, उस आबान को पागल डिक्लेयर करके निमो को उसका किडनैपर जाहिर करेंगे। फिर ये लोग जाने, पुलिस जाने और मीडिया जाने। हमें अगर ये दोनों मिल गए तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, फिर हम प्रेस को बताएंगे कि वो पागल लापान किडनैप हो गया। गुड प्लान डैड। क्या हुआ मैडम, आप सोई नहीं अभी तक? सब ठीक है? अबान, जानते हो आज पता नहीं कितने दिनों बाद यूं खुली हवा में सांस ले पा रही हूं। ऐसा लग रहा था कि सदियां गुजर गई हैं और ये सफर खत्म होने को ही नहीं आ रहा। तुम नहीं जानते अबान, एक एक पल तुमसे तुम्हारी याद में कैसे गुजारे तुम्हारी तो। अच्छा रो मत, मैं आ गया हूं ना।
अबान भाई ये लीजिए, कामरान आपका नया फोन लेकर आए, चेक कर लीजिए, जैसा आपको चाहिए था वैसा ही है ना, और ये आपके बकिया पैसे। थैंक यू सो मच। और ये पैसे आप किए? अरे नहीं अबान भाई, ये तो आपके पैसे हैं, मैं कैसे रख सकती हूँ। अरे एक तो आप भाई बोल गए तो भाई समझे भी, और बहनें तो भाइयों से चीजें लड़कर ले लेती। चलें ठीक है। वाह अबान, आपको तो एक बहन भी मिल गई। ये नए नंबर पे किसकी कॉल है? ताहरा मैडम है, उनको मैंने आपका नंबर दिया है, उन्हें शायद आपसे कोई जरूरी बात करनी है। कॉल अटेंड करो ना। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुझे तुम लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मतलब आंटी, सब ठीक है ना? इज एवरीथिंग ओके? आबान, जो मैं कहने जा रही हूँ उसे बहुत हौसले से सुन। हम स्पीकर पे हैं, आप बताएं क्या बात है। रीना मैडम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या मतलब है इस बात का? रोशनी, सिकंदर और जयान ने रीना मैडम का मर्डर किया है। नहीं, मॉम का मर्डर नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं तारा मैडम? आबान, बेटा हम उन्हें सजा दिलवाएंगे, मेरे पास एविडेंस आ चुका है, अब उन्हें कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। तुम सिकंदर अंकल हो, अम्मा ने मारा। आबान, आबान, रिलैक्स। मेरी मॉम का मर्डर किया गया। खुद को संभालो आबान, इस वक्त तुम्हें पत्थर बनकर इन जालिमों का मुकाबला करना होगा, तुम टूट नहीं सकते। निम्मो, आबान को समझाओ, आंसू इंसान को कमजोर कर देते हैं, ये वक्त रोने का नहीं है। जी जी मैडम, मैं आबान के साथ हूँ, फिक्र नहीं करें। अच्छा सुनो, मैं एक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम सुबह कराची के लिए निकलो तो उस एड्रेस पर पहुँचना, मेरी तुम लोगों से वही मुलाकात। मैडम आप एड्रेस भेजें, हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। ओके, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, सिकंदर और जयान के लोग तुम लोगों को अभी तक ढूंढ रहे हैं। ठीक मैडम, आप फिक्र ना करें, हम केयरफुल रहेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आबान का ख्याल रखो। जी जी, अल्लाह हाफिज़। नहीं निम्मो, ऐसा नहीं हो सकता। अबान नहीं, आपने हिम्मत करनी, हौसला करना। अरे निम्मो ऐसा नहीं हो सकता, मामा क्यों मारे, ऐसा नहीं हो ड्राइवर को बोल दिया, वो आपको एहतियात से ड्रॉप कर देगा। और हाँ, इस घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं, जब जी चाहे बिला झिझक आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये आपका एहसान। मिसेज रीना के मर्डर की FIR दर्ज हो चुकी है, आप फिक्र ना करें, आपके मॉम के कातिल बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू सर। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, आप मेरी मॉम के कातिलों को छोड़िएगा मत प्लीज। हमारे पास बहुत अहम सबूत है, बचेंगे नहीं वो। Thank you.
पर एतबार नहीं होता और ये जख्म उसकी रूह तक को जख्मी कर देते हैं। आंटी, मुझे अपने घर जाना, मॉम के घर जाना। जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक तुम दोनों को यहीं रहना होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्द रोशनी, सिकंदर और जयान अरेस्ट हो जाएंगे, फिर तुम लोग जाना अपने घर, रीना हाउस। अबान, मैडम ठीक कह रही हैं, हमें बहुत केयरफुली चलना होगा, और अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, मंजिल आनी अभी बाकी है। आप यूं कमजोर नहीं पड़ सकते, हिम्मत करनी है आपने। मेरी मॉम बेचारी इस दुनिया से कितनी अजियत से गुजरी, और मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ कि मैं उनका साथ भी नहीं दे सका।